Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all of you are doing very well. Now students, in continuity with the previous problem related to the important question answer of current electricity, we have the next problem related with the potentiometer. Students, जो potentiometer से related questions होते हैं, like जैसे conceptual questions हैं या फिर आपके पास numerical problem है, these are something typical. So you have to understand it carefully. Clear? तो देखिए आपके पास problem क्या है, मैं इसको diagrammatically भी आपको समझाऊंगी. कई बार इस problem में diagrams given भी होते हैं, कई बार mention भी नहीं होते. बट ये थोड़ा सा मैंने छोटा लैंग्वेज लिखा है, बट आपके पास क्या होता है कि कई बार जो इसके क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में आते हैं, जो हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है इसका. फर्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. मतलब एक पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है 1 मीटर आपके पास गिवन है टोटल लेंथ, और उसका रेजिस्टेंस है आपके पास 10 ओम. इट इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ द 5 ओम. क्लियर. फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल विच गिव अ बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर. आपने ईएमएफ निकालनी है सेल की जो आपको बैलेंस पॉइंट देता है 40 सेंटीमीटर पे. इसमें आपको कोई डायग्राम गिवन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल बी एबल टू मेक द डायग्राम. आप बना लोगे डायग्राम. वो किस टाइप से बनेगा आपके पास, लाइक जैसे मान लीजिए ये मैंने ली है पोटेंशियोमीटर वायर, और यहां पे मैंने लिया है ये एक बैटरी लिया है, और ये मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया है इस टाइप से. क्लियर. मतलब जो जो इन्होंने बोला है उसके हिसाब से मैंने रिक्वायरमेंट ले ली. ये आपके पास 5 ओम का है, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आपके पास 10 ओम है, और ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वो आपके पास 6 वोल्ट है. क्लियर. यहां से आपके पास क्या है, आगे ईएमएफ निकालने एक सेल की. आपके पास क्या है, एक सेल है ये, इसकी ईएमएफ लेट इट बी ई है जो मैंने फाइंड आउट करनी है. क्लियर. एंड इट विल बी अटैच विद द गैल्वेनोमीटर विद द फर्दर विद द जॉकी जे. क्लियर. आपने क्या करना है, इसकी ईएमएफ फाइंड आउट करनी है कि आपके पास होगी कितनी, जो आपको बैलेंस पॉइंट यहां से कितनी लेंथ पे देती है, 40 सेंटीमीटर पे देती है. क्लियर. ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो मेरे पास सर्किट है, दिस वन इज अ प्राइमरी सर्किट, और यहां से जो मैं एक्स्ट्रा कनेक्ट करता हूं वो मेरे पास होता है सेकेंडरी सर्किट. जो यहां पे सेल लगा होता है इसकी ईएमएफ जो होती है वो ड्राइवर सेल की ईएमएफ होती है. मतलब मेन सेल आपके पास यही है. क्लियर. और यहां पे मैं लिख देता हूं ए, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी. क्लियर. सबसे पहले देखिए कि जब बैलेंस पॉइंट ऑफ 10 होता है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता. आपके पास ये जो सर्किट है टोटली सीरीज है, मींस ये जो वायर है और ये जो आपके पास रजिस्टर है ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में है, और वोल्टेज आपको गिवन है. मींस एक तरह से ये सिचुएशन है, आपके पास दो रजिस्टर सीरीज में है और उनके क्रॉस बैटरी आपको गिवन है. आप सबसे पहले देखो, अगर आपने इसकी ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, अगर आपने आर्टिकल अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो ईएमएफ यहां पे क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ. क्लियर. तो आपके पास E क्या आता है, इक्वल टू के एल, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या पैरामीटर यहां पे गिवन है. क्लियर. और क्या क्या आपने फाइंड आउट करने हैं. L है बैलेंसिंग लेंथ, वो तो 40 सेंटीमीटर के अबाउट गिवन है. K नहीं मुझे पता, K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो मैंने फाइंड आउट करना है कितना होगा. मींस इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगा कितना, वो मैंने पता करना है. तो आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जो पैरामीटर सेम रहता है मैं पहले वो फाइंड आउट कर लूं, और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाय टोटल रेजिस्टेंस. मींस एक रेजिस्टेंस में मान लेता हूं आर वन है और दूसरा क्या है आर टू है. वोल्टेज आपको कितने गिवन है, 6, और रेजिस्टेंस क्या है, एक आपके पास 5 है और एक आपके पास कितना है 10 है. क्लियर. तो आपके पास क्या आ गया, 6/15. क्लियर. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, जैसे यहां पे क्या आ गया, 2/5 एम्पियर, मींस 0.4 एम्पियर. क्लियर. तो इसका मतलब क्या है, इसमें से करंट कितना फ्लो करता है, 2/5 एम्पियर. मुझे पता चल गया यहां पे करंट कितना है, मुझे इसका रेजिस्टेंस भी पता है कितना है, ठीक है, और मुझे इसकी लेंथ भी पता है. मुझे अगर ये पता है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में, और मुझे ये भी पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूं. मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर
ए बी वो किसके इक्वलेंट होगा? आई आर के इक्वलेंट होगा ना, मीन्स आई कितना फ्लो कर रहा है उसमें से 2/5 और उसका रेजिस्टेंस कितना है 10, तो आपके पास आ गए 4 वोल्ट। मीन्स आपके पास जो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द वायर वो कितना होगा आपके पास 4 वोल्ट का होगा। क्लियर? अब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होगा? मीन्स अगर मैंने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, अब पोटेंशियल तो मेरे पास आ चुका है 4 और टोटल लेंथ कितनी है वायर की 1 मीटर, तो मैंने 1 पुट कर दिया तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया 4 वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। मींस 1 मीटर के अक्रॉस पर मीटर आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 4 वोल्ट है। क्लियर? अब देखिए ये के आ चुका है, आपने क्या फाइंड आउट करना था? ईएमएफ। ईएमएफ का मैंने आपको बोला था के इंटू एल, मीन्स जहां पे वो बैलेंस हो रही है। अब के का वैल्यू आपके पास कितना है 4 वोल्ट पर मीटर है और ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो मैं क्या कर दूंगा 40 सेंटीमीटर है ना, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 × 0.4, तो कितना आ जाएगा 1.6 वोल्ट आ गया आपके पास। मींस आपके पास जो यहां पे ईएमएफ आएगी सेल की वो कितनी आएगी 1.6, बट करने का मेथड यही है, फर्स्टली करंट फाइंड आउट कर लो क्योंकि वो सीरीज में सेम रहता है, करंट निकाला, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज आ गई, वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ग्रेडियंट आ गया, और जब ग्रेडियंट आ गया मुझे बैलेंसिंग लेंथ भी पता है क्योंकि ग्रेडियंट तो देखो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से है और मुझे पता करना है 40 सेंटीमीटर की लेंथ के क्रॉस, तो मैंने उतनी ही लेंथ ली ताकि मैं इसकी ईएमएफ को पता कर सकूं, तो ये मेरे पास आ गया। और आप न्यूमेरिकल में एक चीज ये भी देख सकते हो कि ये वाली जो ईएमएफ है ये ऑलवेज इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। मींस जो प्राइमरी, जो आपके पास ये प्राइमरी सर्किट है ना, इसका जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी सर्किट की ईएमएफ से ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये वर्क ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं। जब हम इसके कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम। Now student, next question is, two primary cells of EMF wire E1 and E2, E1 greater than E2 है, दो cells आपके पास given है E1 and E2 are connected to a potentiometer wire AB as shown in the figure, means इस type से आपको figure में show कर रखे हैं, if the balancing length for the two combinations of the cell are 250 and 400 centimeter, means इसके corresponding 250 और इस कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग 400 पे आ रही है। क्लियर है? फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपके पास क्या है, ये प्राइमरी सेल है, मींस प्राइमरी सर्किट में लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी सेल्स है मेरे पास। अब है क्या कि इसकी जो ईएमएफ होगी वो आपके पास क्या होगी, इनसे तो क्या होगी, ग्रेटर ही होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से अटैच है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अटैच है तो मतलब सीरीज में कनेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, फेवर करेंगे। आपको पता है यहां पे जो ईएमएफ होती है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, पहले भी जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि ओवरऑल जो यहाँ पे ई होती है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, तो ये दोनों अपोज करेंगे, ई1 ई2 से ग्रेटर है तो बड़े में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा E1 - E2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा L1, ऐसे E1 + E2 ये क्या होगा प्रोपोर्शनल टू L2, तो आपके पास क्या आएगा E1 - E2 डिवाइड बाय E1 + E2, ये किसके इक्वलेंट होगा L1 / L2। अब क्या आ जाएगा E1 - E2 डिवाइड बाय E1 + E2 इक्वल टू क्या होगा, एक लेंथ कितनी है 250 और एक लेंथ कितनी है यहां पे 400, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 250 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 400, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये 5 और ये कितना आएगा 8, तो आपके पास क्या आ गया E1 - E2 डिवाइड बाय E1 + E2 इक्वल टू क्या आएगा 5/8। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 8E1 - 8E2 इक्वल टू क्या आएगा यहां पे 5E1 + 5E2। क्लियर? अब मैं E1 वालों को इस साइड ले आता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3E1 और ये कितना हो जाएगा 13E2, तो E1 / E2 क्या आएगा इक्वल टू 13/3, तो
तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 13/3। मींस जो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी थी वो रेशियो हमारे पास क्या आएगी 13/3। करना बिल्कुल सिंपल था, सेम कॉन्सेप्ट था कि आपके पास ई जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो पहले इस कॉम्बिनेशन के लिए इसका जस्ट हमने ये चीज सही से देखनी है कि नेगेटिव नेगेटिव से अटैच है कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तब यहाँ पे टर्मिनल गलत वे में कनेक्ट थे, तो मतलब उससे क्या हो गया था, क्वेश्चन का ओवरऑल जो टच है वो चला जाता है और आंसर फाइंड आउट नहीं हो पाता। तो प्लीज मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अदरवाइज क्वेश्चन इजी है एंड योर आंसर विल बी 13/3। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।